बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नए फितने फलक लाता रहेगा, चमन पे आग बरसाता रहेगा, मगर एक फूल तारीख़े चमन में, मगर एक फूल तारीख़े चमन में वजूदे इश्क मनवाता रहेगा। दोस्तों, हज़ारों साल हो गए जब एक बाप ख्वाब में सिर्फ इशारा की बिना पर अपने लख्ते जिगर नूरे नज़र मासूम बेटे को राह खुदा में कुर्बान कर देने, मोहब्बत के उमड़ते जज्बात को ख़त्म कर देने, नातवां और बूढ़े वजूद के सहारे को अपने हाथों हलाक कर देने के लिए आमादा हो गए थे। वो ना तो तजब्जुब कशमकश गो मगो का शिकार हुए, ना उनके कदम तावील की रस्सी में उलझे। इश्क अक्ल पर गालिब आकर रहा, हर अक्ल इश्क की राह का संगे गिरा नहीं बनती, और ना ही हर इश्क अक्ल को अंधा करता है। बेशुमार बंदे हैं जिनका जज्बा इश्क और नूर अक्ल दोनों हुक्म इलाही के ताबे होते हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी उन्हीं बंदों में से एक थे। उनकी वफा रब्बुल आलमीन की बारगाह में कबूल की गई और क़यामत तक आने वाले इंसानों को उनकी नकल का हुक्म दिया गया। अल्लाहु अकबर, क्या अजब घराना था जिनका हर फर्द कुर्बानी के जज्बे से सरशार था। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, वलिल्लाहिल हम्द।